दोस्तों नमस्कार। गर्मी का मौसम आ गया है और गर्मी के मौसम में आपके डूब के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। उनमें से मैं आज जो दो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं, उनमें से एक है हीट स्ट्रेस, जो प्रारंभिक अवस्था है। हीट स्ट्रोक, ये बहुत ही बड़ी अवस्था है। हीट स्ट्रोक में क्या होता है, गर्मी की वजह से डॉग इतना बेचैन हो जाता है कि उसको नर्वाइकल सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं और मौत भी हो सकती है। लेकिन हमेशा याद रखिए, पहले हमेशा हीट स्ट्रेस की कंडीशन आएगी, उसके बाद हीट स्ट्रोक की आएगी, जो कि डॉग की जान भी ले सकती है। अगर आपने हीट स्ट्रेस को पहचान लिया और उसी समय ट्रीट करवा लिया या ट्रीट कर लिया या घरेलू इलाज कर लिया, तो भाई आप सफलता पा सकते हैं, अपने डॉग को कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। ऐसे चार सिम्टम मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जो यूनिक है। अगर आपका डॉग भी ऐसा कर रहा है तो समझ लीजिए किसी गंभीर बीमारी को न्योता मिलने वाला है। आप पहले ही उसको ट्रीट कर लीजिए, पहले ही उसको ठीक कर लीजिए। देखिए स्थितियां क्या है। स्थितियां यह है कि जब भी आपका डॉग हांफ रहा है, पेंटिंग जिसे कहते हैं, बार बार जीभ बाहर निकाल करके और हाँ 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 जबरदस्त सांस ले रहा है, यानी कि उसके हांफने की जो कंडीशन अगर आप देख रहे हैं ज्यादा, और उस समय ड्रूलिंग यानी कि मुंह में से लगातार लार गिर रही है, तो भाई समझ लीजिएगा कि ये न्योता है आगे जाकर के पेंटिंग का, यानी इसे पेंटिंग जो हुई है हीट स्ट्रेस हो गया है और आगे जाकर के हीट स्ट्रोस हो सकता है स्ट्रोक। तो अभी से आप उसको कंट्रोल कीजिए। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जो पसीना आता है ना, उस तरीके से डॉग्स को कभी भी पसीना नहीं आता, क्योंकि डॉग्स में जो स्वीट ग्लैंड्स होती है, स्वेद ग्रंथियां होती है, वो ग्रंथियां सिर्फ और सिर्फ उसके पॉज में होती है, उसके पंजों में होती है, और कहीं भी स्वेद ग्रंथियां होती ही नहीं है। तो भाई शरीर की गर्मी को कैसे कंट्रोल करेगा, कैसे वो गंदगी को बाहर निकालेगा, तो ये थोड़ी सी परेशानी रहती है। इस वजह से पॉज में तो होता ही है। सेकंड जो तरीका है उसके निकालने का, वो है ड्रोलिंग, यानी कि जब लार गिराता है, हांफता है, तो उस हांफने से और लार गिराने से अपने शरीर का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो अगर ऐसा कर रहा है तो समझ लीजिए ये हीट स्ट्रेस आ गया है। पहले स्ट्रेस वर्ड याद रखिए, बाद में स्ट्रोक वर्ड याद रखिए। स्ट्रोक में फिर कंडीशन खराब हो जाती है, स्ट्रेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर टू जो तरीका है वो है फ्रेंड उसके बैठने की स्थिति, यानी जब भी आपका डॉग बैठता है तो वो कभी भी कोई गर्म चीज पर नहीं बैठेगा, या जो बिछौना आपने बिछाया है उस पर नहीं बैठेगा, वो फर्श पर बैठेगा। और फर्श पर भी बैठने की जो उसकी स्थिति रहती है, वो रहती है अपना नीचे का पूरा शरीर जितना वो जमीन पर फर्श पर टच कर पाता है उतना टच करके बैठेगा, फ्लैट एकदम से। तो पूरा शरीर अगर नीचे टच करके बैठा है तो समझ लीजिए कि इसको कहीं ना कहीं गर्मी लग रही है, हीट स्ट्रेस हुआ है, आगे जाकर के हीट स्ट्रोक हो सकता है। अभी से हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तीसरी जो बात है वो कुछ ब्रीड से रिलेटेड है, जैसे पग हो गया, बॉक्सर हो गया। ये जो ब्रीड्स है ये ब्रोंकियोसेफेलिक ब्रीड होती है, ब्रोंकियोसेफेलिक ब्रीड। इनमें क्या होता है, नाक जो है वो छोटा होता है, यानी कि जो ट्रैक है वो छोटा होता है। इस वजह से इनमें भाई गर्मी जो है वो ज्यादा लगती है। तो आप पूरा ध्यान रखिए, अगर इनमें बहुत ज्यादा पेंटिंग हो रही है, ऐसी अवस्था में बहुत ज्यादा हार्डली नॉइस, बहुत ज्यादा तेज वो जो है वो आवाजें भी निकालने लग जाते हैं, ऐसी कंडीशन में हमें समझना चाहिए कि इसको हीट स्ट्रेस हो गया है और स्थिति गंभीर हो सकती है। इसके अलावा जब भी डॉग को हीट स्ट्रेस होगा, वो लगातार पानी में बैठने का प्रयास करेगा। आप जितना भी रोकेंगे रुकेगा नहीं, वो पानी की तरफ ही जाएगा। पानी जो आपने रखा उसको पीने के लिए, उसको भी गिरा देगा, उसके ऊपर बैठ लेगा, या फिर बाथरूम में या कहीं पर भी उसको पानी मिलता है उस जगह वो ज़्यादा बैठेगा। मतलब एक तो नॉर्मल स्थिति होती है जो डॉग्स प्लेइंग करते हैं, खेलते हैं, वो नहीं, हमेशा ही वो एक तरह से बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएगा पानी में बैठने के लिए। तो इसका मतलब उसको हीट स्ट्रेस की शिकायत है, आगे जाकर के हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो अपने आप को तैयार कीजिए, अपने डॉग को तैयार कीजिए, और हीट स्ट्रेस को इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं हीट स्ट्रेस के ट्रीटमेंट के लिए, हीट स्ट्रोक क्या है। फिर भी अगर आप डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए डिटेल में ट्रीटमेंट नॉलेज लेके आऊँगा। फिर भी हमने हमारे रामावत एनिमल ऐप पर, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर एक लाइव सेशन भी रखा है, और डॉग्स के लिए ऑल ओवर ट्रीटमेंट भी हमने वहाँ पर रखे हैं, तो आप विजिट करके वो भी प्राप्त कर सकते हैं।